का। 1460 का स्टॉप लॉस, और यूबीएल ज्यादा पर फेवरेबल सिचुएशन में दिखाई पड़ रहा है अगर आप लिकर स्पेस में से कुछ ढूंढ रहे हैं। एफएमसीजी का टेलविंड भी है तो उसको भी आप आधार मान के इसमें पोजीशंस देख सकते हैं। दो तीन नाम जहां पर बढ़िया मूव है एफएनओ में, उसमें से एक आता है अपोलो हॉस्पिटल, करीब करीब 2% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और दूसरा टीसीएस, इसे भी देखिए आप, लोअर लेवल से पूरा आईटी पैक में बाइंग है, तो टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, ये सब मूव ले रहे हैं लोअर लेवल से। तो क्या आईटी में से भी कोई लॉन्ग साइड पोजीशन लेके जा सकते हैं क्या? जी सुमित जी, अपोलो हॉस्पिटल तो एक्चुअली हमारा एक पिक भी था आज के लिए एज अ सस्ता ऑप्शन, बट सकते हैं सिंस फिर, तो स्ट्रक्चर पहले को ये आईटी स्पेस बताइए क्या करना चाहिए इसमें। जी आईटी में एक बहुत अच्छा पुल बैक देखने मिला है, क्योंकि जिस रेट पे आईटी स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा वैल्यू बाइंग जोन बन गया है। विप्रो, इन्फी, टीसीएस जैसे शेयर्स 750 का, विप्रो ऑलमोस्ट 400 400 सवा 400 के लेवल पे आ चुका है। अगर मैं थोड़ा सा फंडामेंटली भी इस पे डिस्कस करूँ तो बहुत अच्छी लास्ट क्वार्टर के भी नंबर्स आए, पूरे पिछले साल में ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ के इन्होंने 12-13 एक्विजिशन किए ऑर्गेनिक, तो एक बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग स्पॉट पर है। नॉट फ्रॉम द ट्रेडिंग परस्पेक्टिव बट जरूर इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से यहाँ से एक SIP सारे के सारे आईटी स्टॉक्स में करने की सलाह है। उसमें से हमारा टॉप पिक जो रहेगा वो है विप्रो ही है। मैं लगता है कि विप्रो में वापस 450 एंड 500 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा वैल्यू बाइंग स्पॉट पे विप्रो आ चुका है। उसके साथ साथ LTI भी हमें काफ़ी अच्छा लगता है, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है LTI का। आज ज़रूर प्रेशर में LTI, बट किसी को अगर SIP स्टार्ट करना है माइंट्री एंड LTI के अमालगमेशन के बाद LTI में, और हमें बैलेंस शीट लेवल पे भी एक अच्छा देखने मिल सकता है पॉइंट ऑफ, तो LTI में भी जरूर एक SIP की तरह ट्रेड बनाया जा सकता है। तो L&T इन्फोटेक, इस पर आप दाम लगा सकते हैं जहां पर लोअर लेवल से एक मूव देखने को मिला, और IT ओवरऑल में भी अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे तो बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक दो नाम और, एक मेटल में आज हैवी सेल ऑफ है जिसको लीड कर रहा है वेदांता, 12% का हैवी सेल ऑफ है, इंडेक्स के टॉप लूजर्स में इसका नाम शुमार है। और इतने बड़े सेल ऑफ के बाद नई शॉर्टिंग क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको, एक? और दूसरा, क्या ये नहीं कोई और मेटल जहां पर नई शॉर्टिंग दिख रही है? जी सुमित जी, मेटल्स काउंटर्स आज सुबह 9:15 से ही, फर्स्ट टेक से ही काफ़ी वीकनेस दिखा रहे थे, और जिस हिसाब से वेदांता में न्यूज़ फ्लोज है, उनके कुछ चेन्नई के प्लांट, साउथ इंडिया के प्लांट को, कॉपर वाले प्लांट को सेल करने के, तो उसके कारण और ये प्रेशर पूरा इंटेंसिफाई होता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल पे तो शॉर्ट करके रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट जिनके पास शॉर्ट है ज़रूर बने रहे बाई मेंटेनिंग, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 242 का। और जो स्ट्रक्चर है ये, अगर मैं बोलूँ आपको, पूरे एक साल के लो के करीब आ चुका है, और यहाँ से और इसमें प्रेशर देखने मिल सकता है। तो जो टारगेट्स निकल कर आ रहे वेदांता के, वो है 200 करीब करीब 15 तक के। बाकी अगर मैं दूसरे मेटल काउंटर्स के बोलूँ तो नैल्को भी हमें काफ़ी बुरा, काफ़ी प्रेशर में लग रहा है, नेशनल एल्यूमिनियम, इसमें भी जिनके पास शॉर्ट है ज़रूर बने रहे। हमें लगता है कि नेशनल एल्यूमिनियम जो लेवल पर है, यहाँ से अगर क्रैकडाउन होता है 70 का, इसका काउंटर टूटता है, तो 64 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। तो ये शॉर्ट हमने 2-4 बार आगे भी लास्ट वीक में रिकमेंड किया था, तो जिनके पास है जरूर बने रहे, बट नाउ मेंटेनिंग स्टॉप लॉस।